दोस्तों सोच कर देखिए कि आप एक हवाई यात्रा कर रहे हैं और तभी आपको पता चलता है कि वो हवाई जहाज हाईजैक हो चुका है, तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट बहुत बार हुए हैं, आज आपको कुछ ऐसे ही इंसिडेंट सुनाने वाले हैं। तो पहला इंसिडेंट शुरू होता है 24 नवंबर 1971 को। डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति पोर्टलैंड से सिएटल की फ्लाइट बुक करता है। फ्लाइट जब टेक ऑफ हो जाती है तो वो एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और उसे एक खत देता है। उस खत को पढ़ने के बाद एयर होस्टेस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद वो अपना बैग खोलकर दिखाता है, उसमें वाकई में एक बॉम्ब था। फिर वो अपनी शर्तें सुनाता है, कहता है कि मुझे $2,00,000 और 4 पैराशूट चाहिए, और अगर मेरी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इस फ्लाइट को मैं बम से उड़ा दूंगा। इसके बाद फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से FBI तक ये बात पहुंच जाती है और आखिरकार FBI कूपर की सारी शर्तों को मान लेता है। लेकिन यहाँ पर FBI एक चाल चलता है। FBI पूरे पैसों को सीरियल नंबर में रखता है ताकि बाद में कूपर को पकड़ा जा सके। उसके बाद प्लेन सिएटल पर लैंड करता है, जहां पर उसे 4 पैराशूट और $2,00,000 बैग में भरकर दे दिए जाते हैं। इसके बाद यही प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरता है। जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तब डैन कूपर प्लेन के दरवाजे खुलता है और पैराशूट के सहारे कूद जाता है। प्लेन रेनो नाम के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। FBI पूरे हवाई जहाज की छानबीन करती है, लेकिन कूपर से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग नहीं मिलता। FBI अपनी पूरी ताकत लगाकर कूपर की तलाश करती है। इस मिशन को नॉर्जैक नाम दिया गया था, लेकिन सालों तक कूपर का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद 1980 को 8 साल के ब्रियन इंग्राम को रेत के नीचे $20 के 3 बंडल मिलते हैं, और जब ये नोट FBI के हाथों में लगता है तो FBI पहचान जाती है कि ये वही नोट के बंडल है जिसे कूपर को दिया गया था। लेकिन अफसोस, ये अकेला सुराग था जो अब तक FBI को मिल पाया था। 2016 तक इस केस को 45 साल बीत जाते हैं और इसके बाद FBI इस केस को हमेशा के लिए बंद कर देती है। आज भी कूपर का कुछ पता नहीं, वो कौन था, कहां से आया था, कहां चला गया, कोई नहीं जानता। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घटना नंबर 2, 1981 के वक्त अमेरिकन एयरलाइंस इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज के समय है। उस वक्त अमेरिकन एयरलाइंस घाटे में चल रही थी। इसके बाद इन्होंने एक स्कीम निकाली। ये स्कीम ऐसी थी जिसमें लोग $2,50,000 देकर जीवन भर फर्स्ट क्लास की टिकट में पूरी दुनिया में कहीं भी कितनी बार भी उड़ान भर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं थी। वैसे इस टिकट की कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए पूरी दुनिया में करीब 66 लोगों ने इस टिकट को खरीदा, जिसमें स्टीव रॉथस्टीन भी एक थे, और इन्होंने इस टिकट का भरपूर फायदा उठाया। इन्होंने 10,000 से ज्यादा उड़ाने भरी। घूमने का ऐसा शौक लगा कि अपने दोस्तों से मिलने के लिए ये दूसरे शहर या दूसरे देश कभी भी चले जाते थे। यहाँ तक कि अगर इन्हें अपने किसी दोस्त के साथ लंच करना होता था या कहीं भी जाने का मन करना होता था तो ये बस अपना बैग उठाते थे और फ्लाइट पकड़कर वहां पहुंच जाते थे। लेकिन स्टीव यहां पर नहीं रुके, उन्होंने $1,50,000 और दिए और कंपेनियन पास भी ले लिया, यानी कि अगर ये किसी को अपने साथ ले जाना चाहें तो उसे भी अपने साथ ले जा सकते थे। फिर इन्होंने इतनी उड़ाने भरी कि उसकी कुल कीमत 230 करोड़ तक पहुंच गई, और कंपेनियन पास मिलने के बाद अगर इन्हें अपने साथ जाने वाला कोई नहीं मिलता था तो ये एयरपोर्ट पर किसी भी अजनबी को अपने साथ फर्स्ट क्लास की सीट में बिठाकर ले उड़ते थे। लेकिन फिर 2008 में अमेरिकन एयरलाइंस ने इनका पास छीन लिया, ये कहकर कि इन्होंने पास का बहुत गलत फायदा उठाया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा कि अगर आपको कोई ऐसा पास मिल जाए तो सबसे पहले आप कहां जाना चाहेंगे। घटना नंबर 3, सोचिए कि अगर आपके पास पैसे ना हो और अगर आपको अपने घर पहुंचना हो तो आप क्या करेंगे। वैसे एक आदमी ने अपने घर पहुंचने के लिए गजब का दिमाग लगाया। 1965 में ब्रियन रॉबसन नाम के एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की नौकरी उन्हें रास नहीं आई और वो अपने घर वापस लंदन जाना चाहते थे। लेकिन भाई साहब जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट की टिकट खरीद कर अपने घर वापस जा सके। काफी सोचने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे एक लकड़ी के बॉक्स में पैक कर दो और मुझे इसे बाई एयर पोस्ट कर देना, ताकि मैं कम कीमत में किसी भी तरह से अपने घर तो पहुंच सकूं। इस बक्से में अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इस बक्से के अंदर एक सूटकेस, एक तकिया, एक लीटर पानी की बोतल, एक फ्लैशलाइट, 2-3 किताबें और बक्से को तोड़ने के लिए एक हथौड़ी भी रखी थी। हालांकि इनकी जर्नी 36 घंटे की थी, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट फुल होने की वजह से इस लकड़ी के बक्से को डिले कर दिया गया।
जिसकी वजह से ये 5 दिन तक इस बक्से के अंदर बंद रहे और फिर 5 दिन बाद इन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट से लंदन भेजा गया। लेकिन लंदन में लैंड करते ही ये पकड़ा गए, लेकिन उस वक्त इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और फिर इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर रिकवर होने में इन्हें कई महीनों का वक्त लग गया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ब्रियन रॉबसन का ये आइडिया आपको कैसा लगा। घटना नंबर 4। दोस्तों 2014 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनकर आज आप वाकई हैरान रह जाएंगे। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से MS-370 विमान 239 यात्रियों को लेकर टेक ऑफ करता है। इस विमान को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था। काफी लंबे समय तक मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट की बात होती रहती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद इस विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस विमान से संपर्क नहीं कर पाता। लगातार 2 दिन तक विमान से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद इसके लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। लोकेशन हिस्ट्री से पता चलता है कि इस विमान को आखिरी बार हिंद महासागर के ऊपर उड़ते हुए देखा गया था। विमान के गायब होने के बाद तरह तरह की थ्योरी सामने आने लगती है। अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या फिर किसी ने इसे हाईजैक कर लिया है। कुछ ही दिनों बाद इस विमान की तलाश शुरू हो जाती है। इस विमान को ढूंढने में बहुत सारे देश एकजुट हो जाते हैं और इस विमान की खोजबीन 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में की जाती है। इस खोज में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन सालों तक इस विमान का कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार 2017 को इस विमान की तलाश आधिकारिक रूप से बंद कर दी जाती है और आज भी उन 239 यात्रियों का क्या हुआ, MS-370 विमान कहां गया, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों हवाई जहाज में हुए ये कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जिन्हें सुनकर आप जरूर हैरान रह गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा इंसिडेंट सबसे ज्यादा पसंद आया और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।